बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद मिश्रा, वो अभी वोट कास्ट करके आ रहे हैं और उनका कहना है कि बीएसपी इंडिविजुअल ही लड़ी है और इसके पहले भी इंडिविजुअल लड़ती रही है और इस बार बीएसपी को अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है और बीएसपी एक रोड अदा करेगी सरकार बनाने में। तो ये अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने वोट कास्ट किया है और अब हमारे ठीक पीछे वो दिखाई भी दे रहे हैं, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं ये सीधे उनसे समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी लड़ रही, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लड़ रही है और जीत रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो साथ में आ रहे हैं सतीश जी, उसका आप कह रहे हैं बड़ी भीड़ आ रही है हमारे पर, लोग उमड़ के आ रहे हैं और हम जो है जीतने जा रहे हैं। वो भीड़ें जो हैं वो आपको भी मालूम है, जो एक पहले चुनाव से निकली थी वो आखिरी चुनाव तक वही व्यक्ति दिख रहे हैं। अब की बार फोकस जरा कायदे से करके देख लीजिएगा, वही चेहरे दिखेंगे जो पहले में दिखे थे वो आखिरी में भी दिख रहे हैं। तो भीड़ उनकी इस तरह, और बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में जो भीड़ उमड़ रही है वो वहाँ के लोकल वोटर्स हैं जो कि वोट दे रहे हैं। प्रायोजित भीड़ आप कह रहे हैं क्या उनकी भीड़ प्रायोजित कह रहे हैं सतीश जी, प्रायोजित भीड़ कह रहे हैं क्या, ये क्लियर कर रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले ही वोट डाल के अपना यहाँ से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्र से बाहर निकलने के साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि जो अब तक की जो भीड़ है दिखाई दे रही है बाकी दलों की, वो कहीं ना कहीं प्रायोजित भीड़ है या जुटाई हुई भीड़ है, जबकि बीएसपी के जो जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है वो स्वाभाविक रूप से उसके मतदाता हैं, उसके समर्थक हैं, उनकी भीड़ है और ये ओरिजिनल भीड़ है। तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी एक बहुत बड़ा किरदार निभाती हुई नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सरजीत सिंह के साथ अखंड ताप शाही, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ। लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल पे इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के, और इस समय वोट डाल के लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे सतीश चंद मिश्रा जो कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो यहाँ से वोट डाल के गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मीडिया सलाहकार हैं मृत्युंजय कुमार, वो यहाँ से वोट डाल के गए हैं। यहाँ पर तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का वीवीआईपी एरिया ये समझा जाता है, ये पूरा इलाका जो ये पोलिंग बूथ है ये वीवीआईपी एरिया इसमें आता है, जिसमें राजभवन कॉलोनी आती है और जिसमें मॉल एवेन्यू का इलाका भी आता है। तो यहाँ से वोट डालने के बाद लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जब बाहर आ रहे हैं वोट डाल के तो उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ पे समीक्षक के तौर पे भी, राजनीतिक समीक्षक के तौर पे भी जिन्हें पहचाना जाता है, सुरेश बहादुर सिंह जी, तो उनसे भी जान के जुड़ के जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो लोग सीधे आ रही हैं कुछ महिलाएँ वोट डाल के, आपने वोट डाला जी, अपना हाथ दिखा दीजिए, किन मुद्दों पर वोट डाला है आपने, क्या आपके मन में चल रहा था जब आपने वोट डाला? तरक्की और कुछ इसके अलावा? थोड़ी ऑनेस्टी। आपके मन में क्या चल रहा था आपने वोट डाला? As people say, विकास। आप क्या कहना चाहेंगे, वोट डाल दिया आपने? Yes। जरा हाथ दिखा दीजिए प्लीज, ये देखिए आपने वोट डाला है। क्या शुभ नाम आपका? सुरभित, क्या मन में चल रहा था आपके? See, एक तो है ओवरऑल तरक्की, उसके बाद करप्शन जो आई वुडन्ट से कम्प्लीटली खत्म हो गया लेकिन लिमिट हो गया है, एंड देन ओवरऑल एक फील गुड फैक्टर, यस, एंड इक्वालिटी टू ऑल, सबका साथ सबका विकास। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वोट दिया जा रहा है वो ज़्यादातर यहाँ पे विकास के मुद्दे पे दिया जा रहा है, और ये जो हमने पहले भी बताया कि ये जो पोलिंग बूथ है ये पोलिंग बूथ विकास के मुद्दे को लेके ख़ास तौर पे यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ी लिखी जमात यहाँ पे ज़्यादा है और वीवीआईपी एरिया है। सुरेश बहादुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश बहादुर जी, क्या मन में चल रहा था, क्या आपको लगा इस बार का रुझान किस तरीके का है एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक के रूप में? देखिए, पहली बार ऐसा लग रहा है या पहली बार का ऐसा चुनाव है जहाँ स्पष्ट रुझान दिखाई नहीं दे रहा है, या तो आप इस पार हैं या उस पार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरा, जैसे जनता में एक आक्रोश भी था, जनता में गुस्सा भी है, लेकिन जनता में उत्साह भी है। जनता निश्चित रूप से विकास चाहती है, करप्शन खत्म करना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था की स्थिति पर विचार जरूर करेगी जनता, क्योंकि कानून की व्यवस्था की स्थिति में निश्चित रूप से बहुत सुधार हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए कि संगठित क्राइम तो खत्म ही हो गया है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है इस चुनाव। अच्छा, ये तो शहरों की बात हो गई, ग्रामीण इलाकों में भी आप जाते रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों में किस तरीके का रुझान महसूस हो रहा है, क्या मुद्दे ग्रामीण इलाकों में? देखिए, ग्रामीण इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा है 5 किलो राशन दिया जाना, वो नीचे गरीब तबके को बहुत ही प्रभावित कर रहा है और उसका ही एक बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी ने लिया।
भारतीय जनता पार्टी। तो आप समझ सकते हैं राजनीतिक समीक्षक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेश बहादुर सिंह जी, इनका साफ कहना है कि ये जो मुद्दा है, इस बार जो मुद्दे हैं शहर के मुद्दे भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, और गाँव के जो मुद्दे हैं वो जो मुफ्त का राशन जो दिया जा रहा है वो भी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो इस समय हम जिस इलाके में हैं, इस पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के सुरक्षा पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें जब वोट डालने के बाद जो लोग निकल रहे हैं उनसे बातचीत ज़रूर हो जा रही है, मीडिया को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हीं से बातचीत किया जाए, लेकिन बाइट लेने के लिए, आप लोगों से रिएक्शंस लेने के लिए बाहर ही रुकिए और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पारदर्शिता जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है, और यहाँ पर सुबह से ही भीड़ मतदाताओं की यहाँ पर दिखाई दे रही है, महिलाएँ विशेष रूप से यहाँ पर जाती हुई दिखाई देती हैं, वोट डाल के यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। कई ऐसे भी वोटर्स यहाँ से निकले जो बेहद बुजुर्ग थे, जिन्हें व्हीलचेयर पे लाया गया, कुछ बीमार भी थे जिन्हें तमाम जो उपकरण हैं चिकित्सा के वो उनको लगाया गया, लेकिन वो वोट डालने के लिए यहाँ पे आए। तो मतदाताओं में जागरूकता फिलहाल अभी दिखाई दे रही है और अभी सुबह का समय है, लोगों में एक उत्साह भी अभी बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।